और आइए पुतिन के बाढ़ बम की बात कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान अब यूक्रेनी नागरिकों के लिए नया खतरा पैदा हुआ है। रूस की सेना ने यूक्रेन के क्रवई री में एक बांध पर मिसाइल अटैक किया है। रूस की सेना ने इस बांध पर एक साथ 8 मिसाइलों की बौछार की है, जिसकी वजह से क्रवई री इलाके के लोगों की जान पर बन आई है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि शहर के कई मकानों को खाली कराना पड़ा है। रूस के इस मिसाइल हमलों की वजह से क्रवई री की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। और देखिए, आप ये समझिए कि मौजूदा वक्त में जिस ओर ये युद्ध जाता दिख रहा है, ऐसे में लग नहीं रहा है कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच तल्खी या युद्ध की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है यूक्रेनी नागरिकों के लिए अब नया जो पैदा हुआ खतरा है वो क्या है। दरअसल रूस की सेना ने यूक्रेन के क्रवई री में एक बांध पर मिसाइल अटैक किया है। रूस की सेना ने इस बांध पर एक साथ 8 मिसाइलों की बौछार की और इसी वजह से क्रवई री इलाका जो है वहां पर लोगों की जान आफत में आ गई है। यूक्रेन में फूटा पुतिन का बाढ़ बम, रूस के हमले में टूटा यूक्रेन का बांध, यूक्रेन के शहर में बाढ़ वाली बर्बादी, कहीं घर डूबे हैं, कहीं सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है, सड़कों पर नावें चलती देखी, हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। सैलाब की चपेट में सैकड़ों मकान आ गए, लोगों के घरों में पानी घुस आया। कहीं कहीं सैलाब से लोग जद्दोजहद करते दिखाई दिए, तो कहीं लोग अपना मकान छोड़कर पलायन करते भी देखे। तबाही की हैरान करने वाली ये तस्वीरें आई हैं यूक्रेन के क्रवई री शहर से, जहां पुतिन के मिसाइल ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ बाढ़ का मंजर नजर आने लगा। रूस के हमले में क्रवई री में मौजूद करचू बांध तबाह हो गया। रूस के सैनिकों ने बांध को टारगेट करके एक के बाद एक कुल 8 मिसाइलें दागी, जिसका अंजाम ये हुआ कि क्रवई री शहर में बाढ़ आ गई। बांध के पानी ने शहर के कई हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया। देखते देखते बांध का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, लोग मुश्किल में आ गए, बुरे हालात से जूझते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि बदला लेने के लिए रूस ने करचू बांध को निशाने पर लिया, जिससे बांध को भारी नुकसान हुआ। बांध के स्टोर पानी से शहर के कई हिस्से डूब गए, शहर की सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई, लोगों के घरों में भी पानी ने जमकर कोहराम मचाया, नदी पर बना पुल भी पानी के साथ बह गया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा क्रवई री के 2 जिलों पर है, जहां 6,50,000 लोगों की जिंदगियों के लिए ये पानी अपने साथ बर्बादी लेकर आ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से शहर छोड़कर जाने की अपील भी की। खबर है कि इस पानी ने अब खेरसौन का रुख किया है, जिससे वहां मौजूद पुल के बह जाने का खतरा बढ़ चुका है। ये वही पुल है जिसे यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर पलटवार करने के लिए इस्तेमाल करती आई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी की वजह से रूस ने बांध को बर्बाद किया, ताकि यूक्रेन की सेना से बदला लिया जा सके, क्योंकि यूक्रेन लगातार खेरसौन पर हमला करके रूस के कब्जे से अपने इलाके को आजाद करा रहा है। रूस के इस हमले के बाद जेलेंस्की ने उनकी जमकर आलोचना की, रूस की फौज को आतंकी कह डाला। साथ ही पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि क्रवई री में ये हमला रूस के हार की वजह बनेगा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग जैसे से आगे बढ़ रही है, रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार भी और तेज होता जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा यही हो रहा है कि उसके हमले में रूस के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और इस दौरान कई रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया है। तो देखिए, रूस के कई सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है और 70 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा इस दरमियान किया गया है। और जानकारियां जो आ रही हैं वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ये अभी तक की सबसे अहम जानकारी है, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर पलटवार तेज किए हैं और रूस के कई सैन्य ठिकानों को उन पर टारगेट किया है, उन्हें नेस्तो नाबूद करने की कवायद की है। तो आप अगर हाल फिलहाल के दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो यूक्रेन काफी अटैकिंग है, वो बार बार उन हिस्सों पर जहां पर रूस का कब्जा हो गया है, ना सिर्फ उन्हें कब्जा मुक्त करा चुका है बल्कि सैनिकों को बहुत ज्यादा टारगेट पर ले रहा है जो रूस के हैं। तेज हुआ यूक्रेन का पलटवार,
अब रूस की बस्ती में हाहाकार। सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का वार। रूस की घुसपैठ पर चौतरफा प्रहार। जंगल के बीचों बीच खड़ी यूक्रेन की इस फायर मशीनरी को देखिए, इसे ATGM फैगॉट कहा जाता है। BMD-2 नाम के टैंक पर माउंट ये हथियार पल भर में दुश्मन के खेमे को तबाह कर देता है। खार्किव इलाके में मौजूद इस वॉर मशीन से यूक्रेन ने रूस के उन सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से रूसी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस वार पलटवार के दौर में ये तस्वीरें और ज्यादा डराने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से हुई इस बमबारी में रूस का एक कस्बा निशाने पर आ गया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के इस हमले की वजह से पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया, जबकि इस हमले में एक शख्स की मौत का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस के मुताबिक उसने रूस ओडेसा में रूस की क्रूज मिसाइल के हमले को नाकाम कर दिया। ओडेसा इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कैलिबर क्रूज मिसाइल को काला सागर से फायर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे बेलगोरेद में 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिस वजह से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उधर कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने खेरसोन इलाके में रूस के 5 टैंक, 14 बख्तरबंद गाड़ियां और 8 तोपों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की दक्षिणी कमांड के मुताबिक इस दौरान रूस के 70 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया गया। यूक्रेन का ये दावा है कि अब तक रूस यूक्रेन के खिलाफ 3800 से ज्यादा मिसाइलों का हमला कर चुका है। यही वजह है कि अब नाटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत अब यूक्रेन रूस के खिलाफ पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। रूस की तरफ से कभी भी ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर परमाणु अटैक हो सकता है। रूस के सरकारी टीवी चैनल की एक बहस में इस हमले का जिक्र किया गया है। टीवी चैनल में डिबेट के दौरान रूस को परमाणु हमले की प्लानिंग करने की सलाह दी गई। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अब टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन यानी छोटे परमाणु बम के ड्रिल करने का वक्त आ गया है। जब नेटो देश हमले के लिए ब्लैकमेल कर रहे हों तो रूस को सोचना ना पड़े कि जवाब कैसे देना है। बारूद के ढेर पर दुनिया, तबाही का मंजर दिखने वाला है। कभी भी हो सकता है परमाणु हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन नतीजा रूस की उम्मीदों के उलट दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन के जितने इलाकों पर कब्जा किया था उनमें से ज्यादातर हिस्सों को जेलेंस्की की सेना ने दोबारा हासिल कर लिया और अपने झंडे लगा दिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रूस बौखलाया हुआ है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ परमाणु युद्ध की चेतावनी देने लगे हैं। रूस के सरकारी टीवी चैनल में न्यूक्लियर वॉर पर डिबेट होने लगी है। पुतिन से नेटो के खिलाफ परमाणु हमले की योजना बनाने की सलाह दी गई है। रूस के टीवी चैनल में भी डिफेंस एक्सपर्ट पुतिन को परमाणु हमले की योजना बनाने का मशवरा दे रहे हैं। вообще необходимо создание при Совете безопасности группы ядерного планирования для того, чтобы с участием и военных, и политиков, и гражданских аналитиков определить наши цели, задачи, в том числе на тот случай, когда вдруг нам придется реагировать соответствующим образом.
какие критические объекты инфраструктуры НАТО, какие группировки, штабы могут стать объектами для удара, коль скоро к нам будет предъявлен прямой ядерный ультиматум. क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन प्लटवार कर रहा है, जिस तरह से रूस के कब्जे से यूक्रेन के इलाके वापस जेलेंस्की की सेना छीन रही है, उससे तो यही लगता है कि रूस कभी भी परमाणु युद्ध का प्लान बना सकता है। अब तो उसके संकेत भी मिलने लगे हैं। Ну, видимо, настало время и нам, может быть, провести, я об этом уже говорил, учения с отработкой сценариев применения российского тактического ядерного оружия. Просто когда мы столкнемся с ядерным шантажом НАТО, мы не должны опять бежать и думать, а как... रूस की तरफ से परमाणु हमला करने की बहस इसलिए की जा रही है क्योंकि यूक्रेन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के बिल्कुल पास जाकर अपने गांव को कब्जे में ले रही है। यूक्रेन की इस जाबाजी से रूस की त्योरियां सातवें आसमान पर चढ़ चुकी हैं। रूस के मन में अब एक ही बात चल रही है, वो है घातक वॉर, आर या पार। उधर नेटो देशों को भी डर सता रहा है कि कहीं अपनी साख खो चुके पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दें। Мы можем столкнуться с прямым ядерным шантажом против Российской Федерации, потому что американское тактическое ядерное оружие сегодня находится на ряде авиабаз НАТО, а формат их его боевого применения предусматривает передачу, в том числе и военно-воздушным странам, членам НАТО, свободно падающих американских модернизированных ядерных бомб для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Русские सरकारी टीवी चैनल में परमाणु युद्ध की योजना पर हुए डिबेट को लेकर आशंका गहरा गई है। सवाल है कि क्या रूस युद्ध के दौरान परमाणु बम फोड़ने वाला दूसरा देश बन जाएगा? क्या यूक्रेन में परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? क्या यूक्रेन में हिरोशिमा नागासाकी जैसा मंजर दिखने वाला है? रूस के सरकारी टीवी चैनल में जिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जिक्र किया जा रहा है, उसको समझना भी जरूरी है। ये स्मॉल साइज के एटम बम होते हैं, जिसे दुनिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार, यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। एक टैक्टिकल परमाणु बम से 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। 2 किलोमीटर तक की इमारतें तबाह हो जाएंगी। 6 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 2,00,000 लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। छोटे एटम बम रूस का सबसे महाविनाशक हथियारों में एक है। हालांकि ये बड़े परमाणु बम से कम तबाही मचाते हैं, लेकिन ये तबाही किसी यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। रूस का अगला पड़ाव यही छोटे परमाणु बम हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन कई बार ऐसी वार्निंग दे चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। जिस बम को तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है, जो इतना विध्वंसक है कि कई पीढ़ियों तक उसका असर रहता है, अगर वो एटम बम यूक्रेन पर गिरता है तो यूक्रेन की धरती से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ विनाश दिखेगा, क्योंकि परमाणु बम के हमले से सर्वनाश होता है। इससे पहले भी कई बार दावा किया गया है कि रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, यानी यूक्रेन में रूस न तो बम चलाएगा, न मिसाइल बरसाएगा, न ही टैंक गरजेंगे, न ही फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे और पूरे यूक्रेन का काम तमाम हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि जिस टेक्टिकल एटम बम की बात हो रही है वो कितना खतरनाक है। अगर ये यूक्रेन के किसी भी इलाके में गिरा तो क्या होगा? तो सबसे पहले बता दी हूं कि 200 मीटर तक सब कुछ राख होने की जानकारी है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये आ जाती है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आती है वो ये कि 1 किलोमीटर तक ये कहा जा रहा है कि झटके लगेंगे और 5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन ये है
इस बारे में कि टैक्टिकल अगर एटम बम का इस्तेमाल होता है तो क्या होगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आइए मैं इधर से आपको बताती हूँ कि आखिर क्या क्या जानकारियां और इसके बारे में आ रही है। 2 किलोमीटर तक की जो इमारतें हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। और साथ ही इन्फॉर्मेशन ये भी है, इस जो एक्सपर्ट्स मानते हैं वो ये कि 6 किलोमीटर का जो दायरा होगा वो थर्मल रेडिएशन वहाँ पर फैल जाएगा, जिसको हम बता रहे हैं आपको। इसके अलावा 2 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 15 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूटने की जानकारी है। ये जो डायमीटर होगा इस टैक्टिकल एटम बम का वो इतना बड़ा होगा। 20 किलोमीटर के दायरे में तबाही हो सकती है। और इस वक्त बीजेपी के नेता आदेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं आपको लेकर। यूनिवर्सिटी खोली है,